मेरे पास कई सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि सर अगर मुझको अपनी मोबाइल से आधार नंबर एंटर करके आधार कार्ड को डाउनलोड करना है तो कैसे करें। मैंने भी सोचा है जैसे कि हर एक के पास पीसी या फिर लैपटॉप नहीं रहता है बल्कि मोबाइल फ़ोन सबके पास ही होता है, इसीलिए हर एक इंसान पीसी या फिर लैपटॉप से आधार को डाउनलोड नहीं कर पाते बल्कि उनको किसी साइबर कैफे में जाना होता है इस आधार को डाउनलोड करने के लिए। लेकिन अगर उन्हें ठीक तरह से मालूम हो जाए मोबाइल से आधार को डाउनलोड करने का प्रोसेस, तो उनको किसी को भी रिक्वेस्ट करना नहीं होगा या फिर कहीं पे भी जाना नहीं होगा आधार को डाउनलोड करने के लिए। इस प्रोसेस को जानने के बाद वो खुद अपनी मोबाइल से आधार को डाउनलोड कर पाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन डाउनलोड आधार विथ योर मोबाइल फोन फॉलोइंग सम इजी स्टेप्स। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जिनके पास पहले से ही इस प्रोसेस के बारे में जानकारी है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को बनाया है उन सब के लिए जिनको इसके बारे में पता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू नेवर मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आपको अपना मोबाइल फोन पर आके क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च पर लिखना है उड़ाई, UIDAI। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर उड़ाई का पहला लिंक दिखाई देगा, udai.gov.in। उसी के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। सिलेक्ट करते ही अगला पेज पर आपको अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज को चुन लेना होगा वेबसाइट के अंदर एंटर करने के लिए। जैसे कि मैं इंग्लिश को सिलेक्ट किए देते हैं। ऐसा करते ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उड़ाई का ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको एंटर कर दिए जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करते ही इस साइट का कुछ ऑप्शंस आपको जो है देखने को मिलेगा। इनमें से पहला जो ऑप्शन है गेट आधार का, उसी के अंदर आपको डाउनलोड आधार बोल के एक ऑप्शन को दिखाई देगा जिसके ऊपर आपको टैप कर देना है। टैप करते ही ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा उड़ाई का नया वेब पोर्टल माय आधार का इस पेज पर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही डाउनलोड आधार का जो ऑप्शन दिखाई देगा उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको आधार नंबर नहीं तो एनरोलमेंट आईडी या फिर वर्चुअल आईडी को एंटर करना होगा। जैसे कि मैं आधार नंबर एंटर कर रहा हूँ। आधार नंबर एंटर करते ही उसी के ठीक नीचे आपको जो है दिए गए कैप्चा को एंटर कर देना है। कैप्चा को एंटर करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन सेंड ओटीपी। ऐसा करते ही आपका दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिए जाएंगे। अगर आप चाहे तो मस्क्ड आधार को भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऊपर टिक करके, नहीं तो अनटिक करके आपके मोबाइल नंबर पर आया उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई एंड डाउनलोड के ऊपर टैप कर देना है। ऐसा करते ही ये देखिए आपको कंग्रेचुलेशंस कह जा रहा है। अब आपको अपना मोबाइल पर पीडीएफ व्यूअर ऐप के साथ इस फाइल को ओपन कर लेना है। क्लिक करते ही ये पासवर्ड मांगेगा जो कि आधार होल्डर का नाम का पहला चार अक्षर कैपिटल में और ईयर ऑफ बर्थ है, जिसे आपको जो है यहाँ पर बैठा के ओपन के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही ये देखिए आपका आधार कार्ड दिखाई दे रहा है। इफ यू क्लिक ऑन थ्री डॉट्स एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन यू विल फाइंड कपल ऑफ ऑप्शंस आउट देयर, जिसके ऊपर टैप करके इस आधार फाइल को किसी का भी मेल या फिर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप यहीं से फाइल को डाउनलोड या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करके आप भी अपनी मोबाइल से जब चाहे आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना एंड हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।